वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं और अभी हम चल रहे हैं किचन में खाना बनाने। खाने में आज बनने वाला है पालक सोयाबीन करी, मतलब पालक सोयाबीन रोटी। अदर कुछ नहीं, सिंपल सा खाना है आज का। सिंपल नहीं बट यम्मी है। पालक वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है मुझे। और ये आले गिर गया, पार्थ गिर गया। इधर आके दिखाओ था पार्थ क्या कर रहा था। ये केवल ना बदमाशी करता रहता है। हाय बोलो, हाय करो। बहुत गोली मारता है, कहता है मम्मा को गोली मार दूंगा। मम्मा को गोली मार देगा तो कौन इसको खाना बना के खिलाएगा। खाली बदमाशी करता रहता है ये। तो हम लोग चलते हैं किचन में। तो हमें इसे बनाने के लिए चाहिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में अलग अलग पीस लेना है। एक साथ नहीं पीसना है, बस हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक एक साथ, बाकी चीज़ें अलग अलग। और इधर पालक को हम थोड़ा सा बॉईल कर, मतलब गर्म पानी में वो कर रहे हैं। और इसे भी ठंडा करके हमें पीस लेना है मिक्सर में, अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई गर्म कर दिया था, उसमें तेल डाल दिया और ये गया उसमें थोड़ा सा जीरा। जीरा जब थोड़ा तड़क जाए तो उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक वाला कुटा हुआ पेस्ट। और फिर इसे थोड़ा देर हमें भूनना है, जब तक कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से ना भून जाए, मतलब थोड़ा सा लाल लाल सा ना हो जाए। क्योंकि इसमें ना थोड़ा कच्चापन नहीं आना चाहिए हरी मिर्ची का और अदरक का, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो देखिए ये भून गया है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज वाला पेस्ट। टमाटर का पेस्ट हम अभी नहीं डालेंगे जब तक कि प्याज अच्छे से भून ना जाए। और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें नमक डालना चाहिए प्याज को भूनने के लिए, तो थोड़ा सा नमक डाल दे ताकि प्याज अच्छे से पक जाएगा जल्दी। तो इसे हम साइड में भूनने देते हैं, तब तक दूसरे साइड हम सोयाबीन को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे तेल और तेल को तवा पे अच्छे से फैला लेंगे ताकि चारों तरफ तेल लग जाए थोड़ा, ताकि चिपके नहीं सोयाबीन जाने के बाद। नहीं तो होता है ना, तेल नहीं लगा रहता तो सोयाबीन इधर उधर चिपकने लगता है और तवा जल जाएगा। और इसे हम भून लेंगे। वैसे ये छोटा वाला सोयाबीन है, मिनी सोयाबीन है, सोया है, जो भी बोलते हैं इसे, क्योंकि बड़े साइज का नहीं था मेरे पास, यही वाला था। पुलाव वगैरह बनाना होता है तो ये ज़्यादा ईजी रहता है, नहीं तो बड़े वाले को हम लोग को तोड़ना पड़ता है। उतना बड़ा बड़ा ना अच्छा नहीं लगता खाने में भी और देखने में भी, और चम्मच से खाओ तो काटने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मिनी सोयाबीन ही हम लोग के यहाँ आता है। बड़ा वाला भी आता है जब सब्जी वगैरह बनाना होता है तो, बट इस बार ये वाला आया क्योंकि इनको ये वाला ज़्यादा पसंद आता है छोटे साइज का, तो इसलिए। तो इसे हम फ्राई होने देते हैं, अच्छे से गुलाबी गुलाबी सा होने देते हैं। और हम देख लेते हैं कि प्याज का क्या हाल है। तो प्याज भून गया है, देखिए कितना अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट, मतलब टमाटरों को भी हमने मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहे तो कटा हुआ भी डाल सकते हैं, बट हमने पीस लिया क्योंकि ऐसे थोड़ा सा वो रहता है ना कि हर चीज़ एक, मतलब एक बराबर होते, जैसे पालक भी पिसा हुआ, प्याज भी पिसा हुआ, टमाटर भी पीस लो, नहीं तो ऐसे छिलका वगैरह आता है काटने पर तो उतना अच्छा नहीं लगता देखने से हमें। ये गया इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये क्या थोड़ा जीरा पाउडर, मतलब मेरा दरदरा पिसा हुआ जीरा है, आप लोग के पास जो भी हो उस टाइप का डाल। और ये गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, अदर इसमें कोई मसाले अब नहीं पड़ेंगे। जैसे आप इतना सिंपल, हर सब्ज़ी में सिंपल ही मसाले पड़ते हैं, रेगुलर जो मसाले होते हैं इतना ही, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है सब्जी में। और इसे हम भूनने देंगे। और ये देखिए मसाला भून गया था, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सोयाबीन ऐड करना है ना, तो जो ग्रेवी है, जब मान लीजिए सोयाबीन हम डाल रहे हैं, सूखी सूखी ग्रेवी होगी ना, तो सोयाबीन के अंदर फ्लेवर नहीं जाएगा मसालों का, मतलब मसाले वाले जो पानी है वो सोयाबीन के अंदर नहीं जाएंगे। और सोयाबीन की सब्ज़ी कभी भी आप बनाते हो ना, तो जो मसाले आप डालते हो उसमें पानी डाल के ही सोयाबीन डालें, तो इससे क्या होता है ना, भले उसके बाद आप सूखा कर लो कोई बात नहीं, उससे होता है ना कि जूसी जूसी सा हो जाता है सोयाबीन, तब यम्मी लगता है। और सूखे सूखे मसाले में डाल दोगे ना, ऊपर से मसाले कोट तो हो जाएंगे सोयाबीन के ऊपर, बट टेस्टी नहीं लगेगा, लगेगा ना कि कुछ और ही खा रहे हैं और मसाले मसाले ही लग रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके ही सोयाबीन को डालें,
मसाले भुनने के बाद पानी ऐड करें, बिना मसाले भुने नहीं। और इसमें अब हम डालेंगे ये धनिया पत्ता कटा हुआ, मोटी वाली डंठल है अभी तो मोटी वाली डाल दे रहे हैं, और जो पत्तियां हैं वो लास्ट में डालते हैं। और ये गया नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर चलाते हुए ऐसे ही भूनेंगे। जैसे सोयाबीन डाला है ना अभी अभी, तो थोड़ा भून जाएगा तो टेस्टी लगेगा। कोई भी चीज़ आप अच्छे से भूनते हो पकाते हो तो ही यम्मी बनता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें डालने से कोई सब्जी यम्मी बनता है, नहीं। जितना आप उसे अच्छे से टाइम दोगे ना उतना ही अच्छा बनेगा खाना। मसाले आप कुछ भी डाल दो और किसी भी वक्त डालो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अभी डाला, देखा कि इस टाइम डाला था मसाला तो उस टाइम हम भी डालें, नहीं, आपको जब मन करे तब मसाले डालें। और ये सोयाबीन अब भून गया है, इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई पालक। देखने से बहुत ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है ना, लग रहा है जैसे धनिया और लहसुन की चटनी है। पता है ऐसी जब हम लोग यहाँ पकौड़े बनते हैं तो ऐसी वाली सिलवट्टे पे चटनी बनती थी पिसी हुई, एकदम यम्मी यम्मी सा। मिक्सर में चटनी पिसना तो अच्छा नहीं लगता है, और सिलवट्टे वाली चटनी ना सेम टू सेम ऐसी ही दिखती है गाँव में, धनिया वाली चटनी बहुत यम्मी लगता है। यहाँ भी हमें सिलवट्टा लेना है बट ले नहीं पा रहे अभी, क्योंकि इधर मिलता नहीं है, और गांव जाएंगे तो उधर से लेके आएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे अपना गांव कभी जाएंगे हम तो। तो ये पालक डाल दिया हमने, और थोड़ा सा पानी डाल दिया जो मिक्सर में लगा हुआ था पालक, वो भी अच्छे से क्लीन हो गया, नहीं तो वैसे ही छूट जाता हो। तो इसे हम थोड़ा पकाएंगे, पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पालक में ज़्यादा पानी ऐड करिएगा ना तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना सब्जी तो ऊपर ऊपर पानी आ जाता है और पालक नीचे आ जाता है, तो फिर उतना होने लगता है। तो इसे हम ढक के पकने देते हैं, और ये देखिए पालक हो गया है, और गैस को बंद कर देते हैं। तो तैयार है गर्मा गर्म पालक सोया करी। चुप रहो पार्टनर, पिटा जाओगे मम्मी के हाथ से आप। इतने बदमाश कैसे हो गए हो आप? अरे बहुत बदमाश हो गए, इतना ज्यादा इसका बदमाशी रह रहा है ना कि कुछ ही नहीं आपको। Oh my God, कहाँ से सीख लिए हो पार्ट? Oh my God, कहाँ से सीखे हो? ना ना बाबू आटा ले लिया, ऑलरेडी बाबू को आटा मम्मा ने दिया है, ज्यादा आटा बर्बाद नहीं करते ना, पता होना चाहिए आपको। बाबू कहाँ जाएगा घूमने? मार्केट जा रहा है। पार्थ को बहुत कुछ बोलने आ गया, पहले इसको बोलने नहीं आता था अच्छे से, और बहुत अच्छे से हर चीज़ बोलता है। ए पार्थ एक बार खड़ा हो ना, तो दिख नहीं रहा है। गाड़ी में थोड़ी ना खड़ा होना है। हाँ गाड़ी पे खड़ा नहीं होते ना, तब गिर जाता है। तो हम खाना खा के आप लोगों को बताते हैं आज का खाना कैसा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग एक बार ट्राई करना, नहीं अच्छा लगेगा ना तो बोलना। बहुत यम्मी, प्लस बहुत हेल्दी भी है। एक तो सोयाबीन प्लस पालक, बनाना भी बहुत है। पूरा बड़ा
नहीं है क्या? ऐसा नहीं है केवल छोटा नमकीन ही डाल सकते हो, जो भी साइज के आप बना सकते हो। मेरे पास बस यही था, बड़ा वाला ख़त्म हो गया था तो इसलिए इसका बनाया। बहुत ही अम्मी लग रहा है। पार्ट आखरा तो अभी हम चल रहे हैं किचन में और पार्थ खींच रहा है पीछे से। मेरे को हो चुकी है शाम और कल का थोड़ा सा। पार्थ क्या बदमाशी कर रहा है? आ धो दिया। और कल का थोड़ा सा बचा हुआ था बेसन, पकोड़े जो नहीं बने थे तो उसके बेसन बचे हुए थे, और थोड़ा सा पालक है आज का, तो सोचा पकोड़े बना देते हैं। मिक्स पकोड़े, थोड़ा सा गोभी, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा पालक, थोड़ा हरी मिर्ची, लहसुन, यही सारी चीज़ें डाल के, क्योंकि शाम हो गई है और बेसन ख़राब हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो इसलिए बनाना ज़रूरी है। उतरो पास, नीचे उतरो, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मम्मा को। अरे इतना बदमाश बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इतना नौटंकी करता है झूठ मूठ का। किससे बात कर रहे हैं हम लोग? पागल बच्चा है तू, रख उतर। अच्छा बाबू की कितनी मौसी है? रख, दो मौसी नहीं है। चलो चलो नीचे जाओ। अरे ये बहुत बदमाश बदमाश बच्चा है, ये बदमाश है, नंगू पंगू। हाँ भागो 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 भागो, जल्दी लेट हो रहा है मामू। सुनो ना, जाओ तो चॉकलेट। अच्छा चॉकलेट लेकर भाग जाएगा ना, चल। चॉकलेट फिनिश हो गया, ये देखिए टॉफी है, लेकर भाग जाएगा ये एक लेयर। हाँ तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गोभी को हम छोटे छोटे आकार में काट लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, साइज़ नहीं है कि एक ही साइज़ में काटना है, बस छोटा छोटा काटना है, जितना आप छोटा काट सको। और नहीं तो मिक्स करते वक्त टूट जाता है गोभी, तो कोई वो नहीं है, जिस टाइप का भी काटो, बट डंठले नहीं टूटती हैं, तो उसे अच्छे से काटना पड़ता है। और ये बचे हुए बेसन में सारी चीज़ें हमने डाल दी। थोड़ा बेसन लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा कम भी है तो और बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये गया इसमें अजवाइन, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा, और ये गया थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब नमक स्वाद अनुसार आप डालें, जितना आपको खाना पसंद हो उसके हिसाब से डालें। और ध्यान, मैंने ध्यान रखा कि बेसन जो पहले घोल था उसमें ऑलरेडी नमक था, तो उसके हिसाब से नमक डाला था मैंने। और इन सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए बेसन की कमी हो गई है, तो मेरे पास बेसन नहीं है, उस दिन लास्ट था बेसन का पैकेट, ख़त्म हो गया है। अब आएगा ग्रोसरी तो आएगा बेसन भी, तो हमने इसमें चावल का आटा ऐड कर दिया। चावल का शायद आटा ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी है मेरे पास, बट ये शायद चावल का आटा ही है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि पकौड़े में हमारे यहाँ ना गांव में क्या होता है, थोड़ा सा बेसन रहता है, जैसे दो हिस्सा बेसन है तो एक हिस्सा चावल का आटा हम लोग डाल देते हैं ऐसे नॉर्मल मिक्स पकौड़े बनाते वक्त। ऐसा नहीं कि घोल बनाते वक्त, नहीं, घोल बनाते वक्त ज़्यादा वो हो जाते हैं तो ज़्यादा करारे से हो जाते हैं पकौड़े, तो ज़्यादा नहीं डालते हैं। और ये हम थोड़ा सा तेल लगा दे रहे हैं इस पे तवा पे, क्योंकि हम तवा पे सेकने वाले हैं, बट आप तवा पे ना सेकें, आप फ्राई करके खाएं, क्योंकि सारी चीज़ जल्दी पक जाएंगे, तवा पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। और हमने तवा पे इसलिए बनाया ना क्योंकि अभी एक दिन पहले ही हम लोगों ने पकौड़े खाए थे डीप फ्राई किए हुए, तो ज़्यादा हम लोग तेल, मतलब होता है ना कि फ्राई किए हुए चीज़ें ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं इसलिए। और देख रहे हैं ना, ऐसे ही हम तेल में भी फ्राई करेंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे बॉल्स डालेंगे, और तवा पे कर रहे हैं तो टिक्की जैसा डाल रहे हैं ताकि जल्दी पक जाएगा, क्योंकि कच्चा आलू भी था और कच्चा गोभी भी था, तो उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। प्याज वगैरह का क्या है, थोड़ा सा वो हो जाता है तो हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है, बट इन सारी चीज़ों को पकना ज़रूरी होता है, क्योंकि कच्ची सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए,
तबीयत ख़राब हो जाता है, मतलब पेट ख़राब हो जाता है, तो पकना ज़रूरी होता है। तो देखिए एक साइड का हो गया है, तो इसे हम पलट ले रहे हैं। अच्छे से देख रहे हैं ना कैसा कलर हुआ। अगर आप तवा पे बना रहे हो तो ढक ढक के पकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ये पकेगा नहीं, और जब पकेगा नहीं खुले में तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए ढकना ज़रूरी होता है ताकि जल्दी से आलू और गोभी अच्छे से पक जाए। तो इसे हम पलट दिए हैं, और इसे जब हो जाएगा दोनों साइड से अच्छे से तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए पकौड़े हो गए हैं, इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। हमने चेक कर लिया गोभी और आलू हुआ है कि नहीं, अगर हो गया है तो निकाल लिए, बट आप तो आप फ्राई ना करें मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि इतना तो हम फ्राई कर लेते। तो ये मिक्स पकौड़े थे बट हमने तवा पे सेका था, तो गर्मा गर्म पकौड़े लग गए। और हम चलते हैं खाने। आ जाइए पार्थ, देखो पकौड़े आ गए, खाओ चलो। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा से कर दो।